अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हज़ारों दुआओं, मोहब्बतों, चाहतों और खुशियों के लाजवाल ख़जानों के साथ आप सबको एक नया दिन और ख़ूबसूरत सी बकरा ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला ऐसी खुशियों भरी ईदें आपको बार बार देखना नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपना व्लॉग ईद के फर्स्ट, सेकंड और मे बी थर्ड डे का भी। और स्टार्ट कर रही हूँ अपनी शॉपिंग से, क्योंकि ये भी दिखाना ज़रूरी था आप लोगों में से। लास्ट टाइम हम लोग शॉपिंग पे गए थे तो मैं आप लोगों को साथ लेकर गई थी, तो कमेंट्स आ रहे थे कि शॉपिंग भी जो वो ज़रूर दिखाएगा। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, अब अलग अलग से व्लॉग अपलोड करूँगी तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, मतलब अगर पहले शॉपिंग का करूँ तो। अब तो ईद भी गुजर चुकी तो शॉपिंग अब दिखाने का क्या तुक बनता है। तो मैंने सोचा कि चलिए ऐसा करती हूँ, पहले शॉपिंग दिखाती हूँ और इसी व्लॉग में जो वो ईद के भी अपने ऐड करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग, यहाँ पर रख कर ज़रा इजीली जो है ना वो मैं दिखा दूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको साल कपड़े तो सबसे पहले अपने एहसान के कपड़े दिखाती हूँ। कितना टाइम निकाल के ये देखिए, और ये ड्रेस जल्दी में दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। एक ये ड्रेस है, ठीक है, और मुसान के शूज की तरफ देखिए, ये अमेज़न की लाइटिंग वाले शूज, ब्लैक में लेने चाहिए थे, वाइट लेना। और एक मुझे वहाँ पर किचन मुझे बहुत पसंद आया था और किसान भी थोड़ी जिद कर दी थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो बहुत क्यूट थी। देखिए 390 रुपीज़ में मुझे मिला था ये, जल्दी से फॉर्म इसको रखते हैं वापस, साथ साथ चीज़ें से निपटेंगे हम। उसके बाद अभी की शॉपिंग की बारी आती है तो उनके कितने ड्रेसेस हैं, 4। आपने तो टेलर से वो नहीं लिया था, अतीक जे डॉट से ये लिया था कुर्ता, इसके साथ जो है वो वाइट सलवार है, यही जो है वो ये फर्स्ट डे पर पहनेंगे। और इसको मैं निकाल देती हूँ, ये जो है ना ये मैं साइड पर रखूँ क्योंकि आसान जो है ना क्लिप्स उनके मुंह में डाल देते हैं। आप मुझे ये बताओ कि वो आपका ड्रेस नहीं मिला ब्लू वाला टेलर से, चलो आज ये वाला पहन लेना जी, ये हो गया। और इसके बाद डाइनर से, इन्होंने डाइनर से कुर्ता दिया था, ये भी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया, बल्कि ये मुझे पसंद आया था, मैंने कहा था कि ये ज़रूर लें, इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये हो गया। और एक इनका प्लेन वाइट ड्रेस है जो कि वो होके आया था प्रेस। इसके बाद अब आ जाते हैं मेरे ड्रेसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैंने ये लिया एडन रॉक से, ये देखें बहुत प्यारा ड्रेस है। और उसके बाद एक ये ड्रेस किया, ये जब स्टिच होंगी ना मैं फिर आपको दिखाऊंगी, इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया। और मेरा थर्ड वाला ड्रेस है ये, तो फिर मैंने ईद डे की डे वन पे पहनना है, ये देखिए। और ये आप लोगों ने मेरी शॉपिंग वाले ब्लॉग में भी देख लिया होगा जब हम लोग ये लेते थे, बहुत प्यारा है। मैं जल्दी में आपको खोल के दिखाऊंगी। उसके बाद और एक शूज तो रह गए थे, मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें सॉरी। उसके बाद अब मेरे शूज की बारी आती है, मैंने स्टाइलों से लिए थे, ये देखें बहुत ही डिसेंट एंड सिंपल, ये देखिए ना अच्छे लग रहे हैं ना। और
और मेरे इयररिंग्स भी दिखाती हूँ मैं आपको। इसका दुपट्टा तो दिखाएं, ये मेरा दुपट्टा जो मैंने जो मेरा ड्रेस है उसके साथ तैयार करवाया। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी इन्होंने जो इस पर लगाई है ये। और साथ में हमने प्यारी पहन रखी है, तीन थे एक और बांध किधर, ये देखें इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। ये हसान ने मेरे हाथ पे जो ना वो बॉल पॉइंट से लगा दिए हैं ये, और ये भी बहुत प्यारे हैं। बस जल्दी जल्दी से ये देखें, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, और ये हस्बैंड की चॉइस है और बहुत प्यारा है, इसको इसके अंदर रखूँ फिलहाल। उसके बाद और मेरे बड़ा तरह के जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सारी शॉपिंग दिखाती हूँ ना, थोड़ी भी क्यों छोड़ें। एक मैंने ये लिया था, ये देखिए, और एक मैंने ये लिया था जो कि मेरे इडन रो वाले ड्रेस के साथ बहुत अच्छा मैच है। ये बहुत इजी है और बहुत अच्छा है। और ये इंदौर से मैंने एक जो ना स्लीपर्स लिए थे, इतने अच्छे लगे थे मुझे, सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। ये हो गए, एक ही ड्रेस जो ड्रेस मैं आपको पहले दिखा चुकी थी, ये मेरा स्टिच हो चुका है, ये देखिए। तो ये देखिए इनके बनियान, बच्चे तो इतनी क्यूट सी होती है ना, ये देखिए प्यारी सी जो अच्छी चल। अब ये थी हमारी शॉपिंग, ईद थी और जल्दी मैंने आप लोगों को दिखाई है, आप लोगों को मज़ा आया होगा देख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं सब सामान को समेटती हूँ। चांद रात मुबारक सबको, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, साथ में जो वो हवा भी चल रही है और लाइट गई हुई है, आ गई लाइट। चलो मैं अपने बेटे को फिर लाइट खिलाऊंगी, फिर बेटे ने श्री लाइट खाना था, देखो कुछ नहीं नज़र आ रहा, बारिश चक्कर नज़र आ रहा। बारिश में नहाना मेरे बेटे ने, नहाना मेरे बेटे ने बारिश में, नहीं बेटा नहीं जाने, नहीं बारिश में नहीं नहाना, रात हो गई है ना, रात को बारिश में नहीं नहाते, ओके ओके। देखो तो सही इतनी बारिश हो रही है, इतनी शिद्दत से बारिश हो रही है, और पानी बह चुका है सारा ही, देखिए यहाँ का तो हाल चेक करेंगे। इतना बारिश हो रही है ये देखो, जी बारिश।
तो जनाब अतीक भी रेडी हो चुके हैं और हसन को भी मैंने रेडी कुछ कर दिया था और कुछ मैं साथ साथ ख़ुद भी तैयार हो रही थी और ज़ाहिर है कि बच्चे को भी साथ तैयार करना होता है, ख़ुद भी तैयार होना होता है। हस्बैंड कह रहे थे कि जल्दी करो, मुझे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम पर पहुँचना है। और सुबह सुबह ही जो वो अच्छा पहले मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं सुबह सुबह जो वो ईद पर तैयार हो जाऊँ शादी से पहले, मतलब शाम में जाकर तैयार होती थी। लेकिन अब जब से शादी हुई है ना तो अतीक कहते हैं कि तुम सुबह सुबह मेरे साथ ही रेडी हो जाया करो। और फिर रेडी होकर हम लोग चले जाते हैं अंकल जी की तरफ और वहाँ पर जो वो आधा दिन गुजारते हैं, फिर हम घर पर आ जाते हैं। मतलब दो तीन ईदों से ऐसा ही हो रहा है, फिर घर आकर थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि अतीक जो है पिछले ईद से पहले जो होता है सारा इनका सीज़न होता है, अपनी शॉप में सारी रात और सारा दिन जागे होते हैं ना, उस वजह से फिर इन्होंने ईद की छुट्टियों में सोना होता है, सो के अपनी नींद को पूरा करना होता है। तो यहाँ पर जी मेरा शहजादा जो है वो तैयार हो रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह इसको इतना प्यारा ये वेस्ट कोट लगा था और इतना माशाल्लाह क्यूट लग रहा था। आप सभी माशाल्लाह कहिएगा, अल्लाह पाक सब बच्चों की हिफाजत करें, तमाम दुनिया के बच्चों को अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखें, उनको हल्की सी भी कभी कोई आँच ना आए, उनको अल्लाह पाक बस अपनी रहमतों के सहाय में रखें। बच्चे तो फूलों जैसे होते हैं। अच्छा तो यार साथ में जो है नात सुनकर उसको भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, साथ में महसूस हो रहा था नात सुनकर, देखिए हाथ जो झूम रहा था और मैं ज़ाहिर नात की वॉल्यूम को म्यूट किया था क्योंकि फिर मुझे कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो आपको पता फिर जब हम लोग तैयार हो रहे होते हैं ना तो घर पर आप जो तैयार हुए कपड़े वहीं पर रख दिए, सारा बिखेरा बिखेर के जो है ना वो चले जाते हैं। बस फिर घर पर वापस आके मुझे यही टेंशन होती है कि सबसे पहले जो वो टाइडी अप कर दें पूरे घर को, उसके बाद जाकर कहीं जाना था। और मेरा तो दिल चाह रहा था कि जाने से पहले ही मैं सारा नीट और क्लीन कर दूं घर, लेकिन अतीक साहब जो है वो कह रहे थे कि चलो 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 जल्दी करो। तो बस फिर ऐसा ही था। वो देखिए वो दोनों जा चुके हैं और मेरा मेकअप जो है वो अभी कुछ बाकी है, ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है। और शादी के बाद जब बच्चे अल्लाह पाक सबको बच्चों की नेमतों से नवाजे, आमीन, जो बे औलाद अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे, तो बच्चे जब हो जाते हैं ना माशाल्लाह तो वो फिर आपके मेकअप आपकी तमाम चीज़ें। वेलकम बैक, आप सबको हमारी तरफ से ईद की बहुत सारी खुशियां, मुबारक हो, आप कहें आमीन। ओ खैर मुबारक, खैर मुबारक एंड आमीन। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं अंकल जी की तरफ, उसके बाद हम अपने बाबा की तरफ जाएंगे और हसन साहब जो है वो पीछे इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि बच्चे को आपने ऐसे क्यों खड़ा किया हुआ है गाड़ी में और बात भी गलत है, लेकिन अब माजरत चाहते हैं। लेकिन बच्चा हमारा कुर्ली है। क्या है कुर्ली? और उस बच्चे से ज्यादा तो ये बच्चा है, ये देखिए। अच्छा ही कर देती थी। अच्छा जी तो चले अभी हम चलते हैं अंकल जी की तरफ, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। आज हमारा खाना है अब्बू जी की तरफ। तो अतीक बस करो यार, मुझे वापस कर दो, खाली करके दे रहे हो, इसको हिला के दिखाओ, मैं नहीं लाना। वैसे बाय द वे मैं बहुत समझदार थी, मैंने दो उठाए थे। अच्छा जी तो अधिक वो देखिए क्या कर रहा है, देखना पीछे मजा आने लगता है, खत्म हो जाता है। अच्छा अधिक मैं ना आप थोड़ा ध्यान से ड्राइव करो, मैं जूस पीने लगी हूं। ले लो ये, तुम ले लो। देखो भाई खड़े खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, देखो मेमा देखो वो देखो, पकड़ लो, जाओ चल पकड़ पकड़ चल। हाथ लगा रहा है उसको, वो भी बाबा गए हैं जी गोरमे से केक लेने के लिए और हम बैठे हैं गाड़ी में। बेटा
मोहम्मद बेटा पीछे के बैठे मानो नहीं छेड़ो यार चीजों को बेटा, इधर आ जाओ, इधर बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन। ओ बाबा आगे, ओ बाबा आगे, बाबा जानी आओ, बाबा केक लेके आ गए हैं और अब हम चलते हैं नाना अब्बू की तरफ। आप सबको बकरा ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। बकरा ईद का ये तीसरा दिन है, वैसे मैं व्लॉग जब थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। बकरा ईद और मज़े में से कि खाने ना हो ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो बाबा के घर पर आ चुके हैं हम लोग और बाबा के घर पे जो है वो भाभी ने बहुत मज़े के खाने बनाए हुए थे। मटन कौरमा था, बीफ पुलाव था और साथ में कबाब और बहुत कुछ था। अच्छा मुझे जब मैं दोबारा वीडियो एडिट करने लगती हूँ ना, मेरे फिर से मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि इस वक्त मुझे भूख लग रही है। वीडियो एडिट करने के बाद मेरा जो काम होगा ना वो यही होगा कि मैं जाकर जब वो कुछ भी खाना पीना करूँगी। अच्छा जी, क्या बात हो रही थी? हाँ तो जनाब अभी बाबा के घर पर हम लोग ये मज़े के खाने खाएंगे और उसके बाद जनाब हम देखिए मैं आपसे कहाँ जाकर मिलती हूँ। तो वैसे मैं बस ऐसे रैंडम जो वो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं सही तरह से जो मैं चाह रही थी ना वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन इसी को आप एंजॉय करें और मेरे साथ साथ रहिए। और मैंने ये वाले कपड़े पहने और मैंने ये वाले कपड़े पहने। कौन से पहने? शाबाश। अच्छा मोहम्मद हसन बात सुने, अच्छा सबको फ्लाइंग बारी कर दो। अच्छा बात सुने ना सबको, अच्छी करो फ्लाइंग पारी कर दो बेटा। अच्छा फ्लाइंग पारी बेटा, इधर देखो ना मामा की तरफ। अच्छे शाबाश, एक दफा और। अच्छा अच्छा कर दो। नहीं करना बाबा, बाबा नहीं है, बाबा तो गए हैं यार।